हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका टेक्निकल उमेश राठौर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा बहुत ही सिंपल तरीके से कि ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी M42 5G का फ़ोन है। दोस्तों, आज मैं इसके कैमरा डिटेल की सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, बहुत सिंपल तरीके से बताऊँगा। इसमें 48 मेगापिक्सल कैमरा होता है। इसके कैमरे के बहुत चर्चे हैं दोस्तों, तो आज मैं इसको फुल बताऊँगा कि इसमें कैमरे में क्या खास बात है, दमदार है या नहीं ये फ़ोन क्या कैमरा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ फटाफट और देख लेते हैं कि कैमरा क्या है क्या नहीं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो का शेयर कर दीजिएगा और जो कमेंट हो ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये सैमसंग M42 5G का फ़ोन है। दोस्तों, ये 5G, तो इसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ कैमरा की इसमें क्या खूबियाँ हैं। बहुत चर्चे में है ये फ़ोन। तो दोस्तों, मैं कैमरा में बताता हूँ आपको क्या है, देखते रहिए वीडियो को ध्यान से। कैमरा ये है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको दिखा दूँ, जब ये इस तरह इंटरफेस करने के बाद सिंगल टेक क्या होता है। यहाँ लिखा है दोस्तों, सिंगल टेक होता है एक फ़ोटो के चार फ़ोटो और या पांच फ़ोटो बन के वीडियो एक बन जाता है। दोस्तों, एक फ़ोटो में चार पाँच बन जाते हैं। तो मैं इस तरह देखिए, मैं इसका सिंगल टेक ले रहा हूँ, ओके करूँगा। यहाँ पर कैप्चरिंग मीनिंगफुल मोमेंट कह रहा है कि पकड़ रहा है कुछ अर्थपूर्ण समय। इस तरह होने के बाद दोस्तों थोड़ी देर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ये यहाँ बना है निशान, यहाँ करेंगे तो देखिए ये हमारे सिंगल टेक, पांच सिंगल टेक हैं। ये देखिए इस तरह के अलग अलग डिफरेंटेस पांच फ़ोटो और एक वीडियो कम्प्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो फिर बैक करते हैं इसके बाद दोस्तों। इसके बाद आपको मैं HDR बता दूँ। HDR इसमें ये देखिए, जैसे इस तरह टिक करेंगे, ये देखिए स्क्रीन का रंग ब्राइटनेस कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। देखिए ये HDR है दोस्तों, ये बड़े बड़े कैमरा में HDRों में ज़्यादा होता है दोस्तों। तो ये HDR आप इस तरह कम कर सकते हैं और अच्छी फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों फोटोग्राफ के बाद, इसके बाद आपको फ़ोटो में ही लाना है। और फ़ोटो में लाने के बाद एक देखिए, ये देखिए आप यहाँ से कहीं से भी आप इसको ला जा सकते हैं, छोड़ सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं और इसको ला के फिर यहीं भी ला सकते हैं। ये देखिए ऐसे रख सकते हैं। यहाँ ऊपर आप थोड़ा नज़र डालेंगे तो देखिए इसमें फुल लिखा है। यहाँ यहाँ करेंगे टिक तो यहाँ 48 मेगापिक्सल की यहाँ आएगी। देखिए इसके बाद इसी में आप करेंगे तो 3.4, इसी में करेंगे आप 9.16, इसी में करेंगे आप फुल आ जाएगी। ये देखिए स्क्रीन मेरे सामने फुल आ गई है दोस्तों। तो दोस्तों इतना होने के बाद अब ये देखिए जूम है, ये देखिए, ये देखिए ये जूम होता है। तो आप इसको जूम कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों मुझे तो अच्छा लगा इसमें सबसे, एक है कि आप चाहे वीडियो करें चाहे रिकॉर्डिंग करें चाहे फ़ोटो खींचे, दोनों तरफ से रिकॉर्डिंग आपकी बंद नहीं होगी। जब भी आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो वो बंद नहीं होगी दोस्तों। तो देखिए मैं आपको ये भी दिखा दूँ, रिकॉर्डिंग करके आगे वाला भी चालू। तो इसके बाद यहाँ आप कोई स्क्रीन ऑप्टिमाइज़र ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों यहाँ आप ऑटो फ्लैश है, ये देखिए। इसके बाद सेटिंग में जाके आप काफ़ी फंक्शन है वो भी चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद ये आपको दिखा दूँ मोड। मोड में जैसे आप देखेंगे तो आपको 3, 3, 6, 4, 10 ये क्या चीज़ होते हैं एक लगा लेना है और सभी कार्ड का नया चिन्ह बन जाते हैं। उसके बाद फोटो में जाना है, देखिए इस तरह हो रहा है। कर दिया जाए
और इसकी वो हो जाए तो आपको फिर पास से भी दिखा दूंगा। वीडियो तो दोस्तों बहुत गजब के फीचर्स हैं, शायद आप लोगों को समझ में आ गया हो। समझ में आया तो यदि कोई भी सकते हैं बहुत धीमे मोशन है दोस्तों, ये सुपर स्लो मोशन वगैरह बना रहे हैं, तो कोई स्लो करना है और काफ़ी धीमे करना है स्लो लगा के आप कर सकते हैं। दोस्तों सुपर स्लो मोशन ये दोनों है, तो इसका आप कर सकते हैं दोस्तों। देखिए कोई फूड वाला प्रोडक्ट आपको रखना है, ये देखिए जूम कर सकते हैं, ये खाने के अंदर आप इसको रख सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं, ब्लर है ये देखिए ब्लर, ऊपर आपको दिखा दूँ ध्यान हो गया ब्लर। और ये देखिए आप ये इसकी जो कलर है ये सेचुरेशन आप कलर टोन के द्वारा ला सकते हैं, ये देखिए मैंने किया अच्छा लगा। चालीस मेगापिक्सल और सिंगल कैमरे से फीचर दिए देखिए, तो मैं ये कहूँगा कि ये बढ़िया अच्छा से बच सकते हैं और टिकाऊ फोन होता है सैमसंग का। तो दोस्तों बस वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और ख़त्म करता हूँ, इसी तरह इसके और जो फंक्शन है सारे तो मैं धीरे धीरे आपको बताता रहूँगा। तो वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।